नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र का 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 6 अप्रैल को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि, वृष राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जो है 14 तारीख से मेष राशि में गोचर करेंगे चौथे भाव में, और गुरु जो है 22 तारीख से मेष राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो ये तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शनि आपके धन भाव में गोचर करेंगे, राहु आपके चौथे भाव में, बुध आपके चौथे भाव में, मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु जो है आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि मकर राशि के भी स्वामी है और कुंभ राशि के भी स्वामी है, और कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। शनि जो है आपके धन भाव में विराजमान है, और शनि जब धन भाव में विराजमान होते हैं तो धन देने का काम करते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। तो शनि जो है धन देने का काम करेंगे, संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और उसके बाद जो है धन देने का काम करेंगे। लेकिन धन भाव में कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा देते हैं, क्लेश भी पैदा करते हैं और धन खर्चे भी खूब करवाने का काम करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो शनि आपके लिए जो है मिले जुले फल देने का काम करेंगे, धन भी देने का काम करेंगे लेकिन खर्चे भी जो है बढ़ा देते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर शनि की रहेगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा और कार्य जो आप करेंगे उसमें आपको सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। वही यदि हम बात करें आपके पराक्रम भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक गुरु हैं और गुरु आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु और धनु राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं, और गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में विराजमान है, सूर्य के साथ अस्त हो जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर के ये 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे, इस कारण से गुरु आपका उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। 12वें भाव के ये मालिक हैं। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम करवाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो ये हल्के फुल्के जो है यहाँ पर आपको अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन विलंबता के साथ आपके काम बनेंगे क्योंकि सूर्य के साथ गुरु अस्त रहेंगे, निर्बल रहेंगे, इस कारण से कोई भी कार्य आपका तीव्र गति से नहीं होगा, रुकावट के साथ यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। बल पराक्रम में यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो बल पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, और वही जो है भाई बहने के बहनों के संबंधों में भी कहीं ना कहीं जो है मधुरता लाने का काम करेंगे। तो सूर्य यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथे भाव के आपके मंगल है, चौथे भाव के मालिक मंगल है और लाभ भाव के भी मालिक मंगल है, और मंगल आपके छठे भाव में विराजमान है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। मंगल का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में मंगल सबसे अच्छे परिणाम गोचर के अनुसार से देते हैं। छठे भाव में क्या क्या फल देने का काम करेंगे, लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, और ये भूमि फोन प्रॉपर्टी के मालिक है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन के योग बनाने का काम करेंगे, आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे,
तो ये सारे क्षेत्रों में मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और मंगल का राशि परिवर्तन भी है। मंगल बुध के घर में बैठे हैं और बुध मंगल के घर में बैठे हैं, तो एक राशि परिवर्तन राजयोग भी बन गया। ये राजयोग जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। वही यदि हम बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके दशम भाव के कैरियर के भी मालिक है और ये विराजमान है चौथे भाव में। यहाँ पर यदि देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे शुक्र जो है। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का योग बनाने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे और कैरियर के मालिक है तो नौकरी में अच्छे रिजल्ट देंगे, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसाय में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और ये पंचम भाव के भी मालिक है तो शिक्षा संतान प्रेम विवाह इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। 6 अप्रैल के बाद अपनी राशि वृषभ राशि में पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा, तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि स्वराशि के हो जाएंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। पूरा अप्रैल का महीना जो है शुक्र जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद छठे भाव के मालिक आपके बुध हैं और बुध आपके भाग्य के भी मालिक हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध आपके विराजमान है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके चौथे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आप प्रबल रहेगा, कंपटीशन में सफलताएं देने का काम करेंगे, नई नौकरी के योग बनाएंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपका लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाने का काम करेंगे। तो बुध का भी गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार है। हालांकि राहु के साथ बुध का गोचर रहेगा, जड़ दोष भी बनेगा लेकिन उतना निगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये राजयोग में है, बुध दो दो राजयोग बना रहे हैं, एक तो परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो ज्यादा यहाँ पर राहु प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो बुध भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र के साथ राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, ये एक चारित्रिक दोष बनाने का काम करते हैं, स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो सकता है, स्त्रियों के लिए आप बहुत सारा धन भी खर्च कर सकते हैं, भोग विलास में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन संभल कर रहने की जरूरत है, कोई गलत आरोप आपके ऊपर ना लग जाए, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि स्त्री के प्रति आकर्षण ये बना रहेगा। तो ये 6 तारीख तक रहेगा, मार्च के महीने से लेकर के 6 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगी, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके सप्तम भाव में 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है लेकिन गुरु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी और गुरु भी सूर्य के द्वारा जो है अस्त रहेंगे, सूर्य के द्वारा अस्त रहेंगे तो निर्बल रहेंगे, तो गुरु भी उतने प्रभाव जो है नहीं डाल पाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपका चलता रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि भी होगी। गुरु जो है 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी अस्त रहेंगे, तो गुरु अस्त होने के कारण उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। वही राहु के साथ गुरु जो है चांडाल दोष भी बनाएंगे, इस कारण से गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे विशेष रूप से। यदि हम बात करें अष्टमेश के बारे में, अष्टम भाव के मालिक आपके बनते हैं सूर्य और सूर्य जो है तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा योग है, गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक धन आपको मिल सकता है, ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ हो सकता है। 14 तारीख तक ये स्थिति बनती है, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर राहु के साथ जो है सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, हालांकि सूर्य उच्च के रहेंगे तो उतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन फिर भी जो है सूर्य उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे जो आपके तीसरे भाव में अच्छे परिणाम दे रहे थे 14 तारीख तक। तो यदि देखा जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी आपके योग बनेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे और आय में वृद्धि करने का भी काम सूर्य करेंगे, अचानक धन लाभ भी दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो शुक्र के बारे में भी हमने जाना, केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो है केतु लाभ देने का काम करेंगे, शुक्र के अनुकूल फल देने का काम करेंगे और शुक्र आपकी पत्रिका में अच्छे हैं, इस कारण से ये लाभ देने का काम करेंगे। मंगल के बारे में भी हमने वर्णन किया और गुरु के बारे में भी हमने वर्णन किया। राहु जो है चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, थोड़ा भ्रमित करने का काम करते हैं, और यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, दूसरे का सलाह लें,
सोच समझ करके विचार करने के बाद जो है अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदे, मकान खरीदे, नहीं तो कई बार यहाँ पर जो है नुकसान भी हो जाता है, ऐसी आशंकाएं बनती है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, सूर्य भी आपको लाभ देंगे, बुध और शुक्र ये दोनों लाभ देने का काम करेंगे, मंगल भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, राहु केतु भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। तो आपको उपाय करना है गुरु का, क्योंकि गुरु जो है आपके अस्त रहेंगे, निर्बल रहेंगे, तो गुरु का आप उपाय कर सकते हो, साथ ही साथ शनि का उपाय कर सकते हो। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, गुरु के बीज मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें, नीलम रत्न धारण करें, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।